सो ये बीफ है, गाय है सारी, गाय, वी कॉल इट कारोबा। बस ये चीज भी है, मीट भी है भाई, ये उसका फैट है, और ये जो बड़ा पीस था ये बीफ है, गाय। यार देखते हुए भी थोड़ा सा दिल दुख जाता है हमारा, बट क्या ही, ये लोग खाते ही है। अब यहाँ पर लीवर भाई, क्या ब्लड ग्रूड लगा के बेच रहे हैं भाई, मतलब ये सब कुछ बिक जा रहा है यहाँ पर, तो सब कुछ बिकता है। ये पोटली है उसकी, इंटेस्टाइन, बुल का ये टेस्टिस भी दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर, दिल भी दिख रहा है भाई, ये दिल है, दिस इज हार्ट। इसके साथ साथ ये लीवर है, और ये खुर है, नॉट श्योर दिस इज सीप। अच्छा ये भीड़ है, इनके सर है, भेड़ों के सर है। ये है हॉर्स मीट भाई, ये हॉर्स मीट है, पूछू क्या कितने रुपए किलो है, हाउ मच मनी, हाउ मच, हाउ मच मनी, मनी मानी 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 1 kg 600 ओके तसीबा 600 रुपए किलो घोड़ा मिलता है भाई। भाई फटाफट फटाफट बिक रहा, बहुत बिक रहा है भाई, बहुत बिके जा रहा है। ये चर्बी अलग से निकल जाती है इसकी, देखो पैक कर रखे दे रहे हैं इसको। पूरी पैकिंग वैकिंग करके दे रहे हैं भाई, पूरी पैकिंग। ये लिखा है कोना, इसका मतलब हॉर्स होता है, ये भी हॉर्स है, ये जो लिखा हुआ है ना, तो हॉर्स का साइन भी बना रखा है इन्होंने, साइन बना रखा है, हॉर्स 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 हॉर्स, ये सब हॉर्स के बनाए हुए। स्टार्टिंग में थोड़ा बीफ है, ये रिब्स है उनकी, भाई बना के खिला भी देगा तुम्हें, ट्राई करना है तो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ट्रैवल विद सामर। सामर निकल पड़ा है आज लोकल एक्सप्लोर करेगा बिश्केक में। मौसम है थोड़ा ठंडा ठंडा, डाली हुई थोड़ी सी पतली सी जैकेट, आई होप सो ज़्यादा ठंड लगे ना। सो अभी यहाँ का बहुत फेमस है औस बाजार, जहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और मार्केट है, लोकल मार्केट, देखेंगे कैसा है चीज़ें। यहाँ पे गोल्ड मार्केट भी देखा है मैंने, वो भी मैं वीडियो में एंड में डालने वाला हूँ, प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पे जो सोना है वो ज़्यादा सस्ता ज़रूर है, बट यहाँ का 14 कैरेट सोना है, बट यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर वही कर रहे हैं। सो ये है लोकल बिश्केक का हॉस्टल, मैंने आपको बताया सेम हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा हूँ, हॉस्टल फॉर यू, जिसका चार्जेस मैंने पे किया है 570-100। बहुत सही हॉस्टल है और सबसे बेस्ट हॉस्टल है बिश्केक का, तो जब भी बिश्केक आ रहे हो तो आप यहीं रहिएगा प्लीज। भाई क्या ट्रेडिशनल तरीके से ये चिकन बना रहे हैं, और बीफ भी है इसके अंदर, मतलब नीचे ही ओवन चल रहा है, इसके ऊपर बना रहे हैं, बहुत सही सा लग रहा है ये। ये 100 का है, और ये ब्रेड भी बना रहे हैं, ट्रेडिशनल ब्रेड है इनकी। भाई मैंने इतनी कंट्री घूम ली, कहीं पे भी बना, मैंने
मैं सिक्का नहीं देखा, यहाँ पर तीन का सिक्का है भाई, तीन का, तीन सोम। और एक और बात मैंने नोटिस करी, यहाँ पर जो भी बस में बैठते हो वहां पर 100 टेंगे था, 200 टेंगे देते थे, बट यहाँ पर आपको 11 सोम दे रहे, 11 सोम, मतलब एक नॉन अजीब सा ही नंबर है, हमेशा कोई 10 20 30 रखता है, पर यहाँ 11 सोम देना है आपको, तीन का सिक्का 11, कुछ लॉजिक होगा इनका भी अलग सा अजीब सा। औस बाजार आया हूँ यहाँ के लोकल मार्केट में, देख रहा हूँ यहाँ पे चीजें काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर दिखाता हूँ यार, ये मेरे को अपने घर के लिए जरूर चाहिए यार, ये बहुत सही है कि आप अपना सामान टांग लो यार, लोकल छोटी छोटी शॉप से कुछ खा लेते हैं उससे पहले आई गेस, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, आई होप सो। क्यों दे बच्चे, कुछ सेकेंड हैंड से लग रहे हैं जूते, बट है अच्छे से, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, वाह ये भी बहुत सही है यार, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना, ये वाला तो मुझे याद है यार, ये वाला, ये बहुत सही है अगर आप मतलब बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो, बड़ा सा बर्नर चाहिए, लाइट्स वगैरह भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और गैस वगैरह भी दे रखी है, छोटा हीटर भी है, दिस इज क्वाइट नाइस शॉप फॉर द ट्रैवलर्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल सकती हैं आपको यहाँ पर यार। ये शूज, हाय, दिस इज द जैकेट शॉप, ये फैंसी फैंसी सी लगी है, एक तो वो वाली तो बहुत ही अच्छी है, हाउ मच, 600, ये भी बहुत फैंसी है, अच्छा 1600 सोम की है, ओके किसी में, अब इधर देखते हैं कुछ मिलियन गारमेंट्स है, फिर यहाँ पे भी वही है, यहाँ के आदमियों वालों की ड्रेस देखो यार, इंडिया वालों के पास भी ऐसी आ गई अब, ये इनका सैनिटरी मार्केट, छोटा सा लॉक्स बड़े फैंसी है भाई, मैं सच बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने हर होटल और हॉस्टल के अंदर देखे सबके लॉक ऐसे बहुत फैंसी है, दे हैव अ डिफरेंट केस, साइकिल के लिए एक मार्केट, इंडक्शन चूल्हा सही ट्रेंड में है इनका, ये कितनी बड़ी प्यारी सी, हाउ मच, 1000, चाइनिक 850, 850 का है, बट नाइस, इस पे तो लिखा हुआ है 850 यार, फैंसी है, किसी में भाई ट्रैवलर्स के लिए क्या चाहिए होते हैं, बहुत अच्छी जैकेट, शूज, और ये मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पे सारे आर्मी के इन्होंने ये रखे हुए हैं, बैग्स भी बहुत सही हैं, जैकेट्स भी बहुत सही हैं, मतलब इतनी इजीली इनके आर्मी वाले चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, थोड़ा सा स्ट्रेंज हूँ मैं भी, दिखाता हूँ, सी ऐसे इजीली मिल रही है, हाउ मच, 1000, ये 600, शूज भी देख सकते हो,
बट मैं ऐसा कुछ नहीं ले सकता बिकॉज आपको पता है मैं ऐसी ऐसी कंट्री जाने वाला हूँ जहाँ पर किसी भी कंट्री का कुछ भी ऐसा मिला तो मेरे को अंदर डाल देंगे यार। और स्पेशली मैं अफगानिस्तान जाऊँगा तो वहाँ और ही दिक्कत हो सकती है। देख रहे हो ब्लॉग बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बारिश हो रही है फिर भी मुझे ब्लॉग बनाना है और मैं यहाँ आया हूँ अब दिखाने आप लोगों को यहाँ बिश्केक का लोकल मार्केट औश बाज़ार। यहाँ पर आपको एक तो मसाले मिलेंगे और आपको मीट मिलेगा, ड्राई फ्रूट मिलेगा और आपको जनरल सामान मिलेगा। इसके अंदर पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर आपको मतलब ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे रखा है सबको कि आपको जो भी चाहिए सस्ते में आप यहाँ से ले सकते हो। अब हम अंदर एंटर करते हैं। भीड़ बहुत कम है यहाँ पर। ड्राई फ्रूट्स देखो यार, ड्राई फ्रूट्स तो जैसे कि आपने वहां पे भी देखा था ये 350 का है, 280, 380, 450 केजी की बात कर रहे हूँ मैं, 450। वो देखो, दिस इज खरी बावली ऑफ बिश्केक, दैट्स ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्पाइसेस है भाई। सब्जियाँ इनकी नेक्स्ट लेवल की दिखती है यार। वो मिर्ची देखो और बैंगन, खाने के लिए कुछ देख सकता बट मुझे थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पर खाने में भी। वाह यार बिस्किट्स, ये तो सच है। देखो यार टर्किश लोग और यहाँ की बिस्किट बेकरी बहुत ही फेमस है, वो तो तुम देख ही सकते हो। अब ऊपर से दिखाओ ना, मार्केट इतना बड़ा है, बहुत ही बड़ा मार्केट। देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जितना कर सकते हैं और कहीं कुछ खाने लायक मिलेगा तो जरूर खाएंगे। यार ये बुढ़िया के बाल जैसे लग रहे हैं, देखो इनके नूडल। वाह मिर्ची यार ऐसी होनी चाहिए घर में भी हमारे। सही में मसाले तो आप देखो यहाँ से खरीद सकते हैं, हमारे इंडिया से भी अच्छे हैं, इंडिया में भी अच्छे हैं नो डाउट, बट यहाँ की चीज़ें थोड़ी सी ना अलग सी लग रही है, फैंसी फैंसी सी ना। अरे यार ये तो सब्जी मार्केट आ गया मैं तो। वाह सो भाई रोजेस देखो इसके, भाई प्यारे प्यारे से फ्लावर के कलर है यार। ये वाला कलर देखो हैं, और ये वाला काश बीवी को दे सकता अपनी, खुश हो जाती बेचारी यार। जिस बहुत ही बढ़िया गुलाब है भाई, बहुत ही बढ़िया। पूछता हूँ कितने का है ये, हाउ मच? 130 पर वन भाई, एक फूल 130 रुपए का भाई। क्वालिटी क्यों नहीं होगी, हमारे वो तो 20 रुपए का देते हैं भाई, 20-30 रुपए का, 130 रुपए का फ्लावर, वर्थ इट है भाई नो डाउट। अब चलते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं, वापस ड्राई फ्रूट्स में एंटर कर रहे हैं। अभी कुछ शॉप्स खुली नहीं है, हम जल्दी आ गए हैं आई गेस। देखते हैं नाइस। How much? 550 1 kg. 1 kg का 550 है।
उर्दू पता नहीं, इसके खाने के बाद हल्का सा कड़वा कड़वा सा लगा मेरे को बिल्कुल ही, शायद ऐसे ही होता होगा, नहीं कड़वा तो नहीं हो सकता कोई भी ड्राई फ्रूट यार, अच्छा नहीं लगा मुझे वो। एक कुछ मीठा सा उठा के देख लेते हैं, इसका बेरी मजबूत सी बेरी है मैंने। ये मैंने जो कल पेट से तोड़ के खाई थी वैसी है। ये बेरी 1000 रुपए की, ₹850। लम भी अच्छा है। बिल लेटर। व्हाट इज दिस? चिप्स है। जैकफ्रूट चिप्स? चिप्स है। कर्गिस्तान चिप्स है। किर्गिस्तान की चिप्स है कुछ ऐसा बताया उन्होंने मुझे। ये है शहद भाई, 200 रुपए 300 रुपए का शहद है और ये प्योर शहद है भाई। हमारा तो चीनी वाला चिपका देते हैं हमको, सोच रहा हूँ क्या उठा के खाऊं या कुछ खरीदूं, समझ नहीं आ रहा। बताया मुझे क्रूत करके है कुछ ये, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्रूत होता है क्या है, बट ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज घी, भाई घी तो इनका, दिस इज घी, घी बटर या मसाला मसला इज लाइक घी। कने 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 फिर वो तो सेलाई पर टेलीफोन है। ओए आज तो ना कोई जैसे भाई ना, इट्स घी आई गेस, ये घी ही है आई गेस, बट पता नहीं कौन से दूध का हो सकता है, गाय के दूध का ही है वैसे गाइस। हाँ बताया था मेरे को किसी ने, याद आया। ये अलग अलग तरीके के है भाई, बहुत बड़ा मार्केट है इसका, इसका डालूंगा जरूर डिस्क्रिप्शन में क्या होता है ये क्रूत, पता करना है मेरे को भी। दिस इज फॉर स्मोकिंग राइट, दिस इज काइंड ऑफ टबैको आप कह सकते हो इसको। ये देखो छोटे छोटे पैकेट्स बना रखे हैं इनके, और बॉटल्स में भी दे रहे हैं। हाउ मच दिस, हाउ मच मनी? 100? ये 100 का है। कैन आई स्मेल? भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है। बेकरी, बेकरी देख रहे हो ऐसे है भाई, पूरी सॉलिड ब्रेड मिलती है 25 की, 100 की, 32 की ब्रेड की, और ये फ्रोजन मीट है साथ में ही, पूरा जमा हुआ मीट है साथ में आपको मिल रहा है हनी। फिर अब हम जा रहे हैं बेकरी वाली स्ट्रीट के अंदर, यहाँ पर बहुत सारी बेकरी होने वाली है, ब्रेड्स बिना पैकिंग कुछ भी नहीं चाहिए यार, और ये तो मतलब यहाँ की ना सबसे फेमस ब्रेड है, दिस इज वन ऑफ द फेमस ब्रेड, और सॉलिड होगी भाई, बहुत मजबूत ब्रेड है, हाथ लगा के दिखाऊं तब भी बहुत, ओ ये तो थोड़ी सी सॉफ्ट भी है, 20 सेंट मतलब 20 सोम की है। और ये कितने दिन तक रख सकते हैं, खराब भी नहीं होती है यार, ये बहुत खाते हैं भाई लोग, बहुत ही खाते हैं ब्रेड ये वाली, कुछ गरीब यूट्यूबर मेरे जैसे भी खाते हैं, मैंने अभी तक खाई नहीं है बट खा लूंगा।
इसको देख के ये याद आ रही है मेरे को, राजपाल यादव की इतनी बड़ी बड़ी क्यूब ब्रेड दे रहे हो मेरे को, कि आ रही चाहिए ऐसी ब्रेड के लिए, रोटी के लिए। इसको रोटी क्यों बोलते हो? ये हॉर्स मीट, यस दिस इज हॉर्स मीट। अब वो तुम देख सकते हो क्या है, अब हम एंटर करने वाले हैं गाइस मीट मार्केट के अंदर। तो जिस जिसको दिक्कत हो सकती है वो वीडियो ना देखे, क्योंकि हम एक्सप्लोर भी करेंगे, मार्केट करते हैं तो मीट भी करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लोग कैसा मीट खाते हैं क्या खाते हैं वो करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको पोर्क, हॉर्स और बीफ तो मिलेगा ही मिलेगा, चिकन भी। शीप भी, दिस इज पोर्क। अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंस पता चलने लगा है मीट का, कौन सा पोर्क है कौन सा बीफ है। अब ये देखोगे तो तुम्हें बहुत ही बड़ा मार्केट है इसका, मीट का। एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा पीस दिखा हुआ है, रखा हुआ है, दिखाऊं क्या? अनश्योर क्या है ये, पता करते हैं। भाई बहुत ही बड़ा पीस है ये, चर्बी है इस सारी, चर्बी है जानवरों की। इधर ये बफेलो है, हॉर्स और उसका, मैंने गलती से फोन दे दिया। अरे यार ये फोन भी अभी बताएंगे मेरे को क्या है ये, डिटेल में थोड़ा ट्रांसलेट करके बता रहे हैं मेरे को। सो ये बीफ है, गाय है सारी, गाय, वी कॉल इट कारोबा। बस ये चीज भी है, मीट भी है भाई, ये उसका फैट है, और ये जो बड़ा पीस था ये बीफ है, गाय। यार देखते हुए भी थोड़ा सा दिल दुख जाता है हमारा, बट क्या ही है, लोग खाते ही है। अब यहाँ पर लीवर, भाई क्या ब्लड ब्लूड लगा के बेच रहे हैं भाई, मतलब ये सब कुछ बिक जा रहा है यहाँ पर, तो सब कुछ बिकता है। ये पोटली है उसकी, इंटेस्टाइन, बुल का ये टेस्टिस भी दिख रहे हैं मुझे तो, यहाँ पर दिल भी दिख रहा है भाई, ये दिल है, दिस इज हार्ट। इसके साथ साथ ये लीवर है, और ये खुर है, नॉट श्योर दिस इज सीप। अच्छा ये भीड़ है, इनके सर है, भेड़ों के सर है, और ये उनकी जीभें है भाई, ये गाय की जीभ है, बहुत लंबी होती है यार, ऐसे पता नहीं चलता। आधा वेस्ट आधा निकाल कर इंसान कुछ भी खा लेता है वैसे यार देखा जाए तो, बट हाँ ठीक है, हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग करते हैं। ये छोटा छोटा कीमा भी बना रहे हैं इसका, वालेकुम सलाम, हिंदुस्तान। शीप, सॉरी ये पोर्क है, पोर्क है गाइस, अ
अब आगे चलते हैं देख देख के। वालेकुम सलाम। भाई मुझे लगा था मार्केट खत्म हो गया है। फक, ये तो जस्ट छोटा सा था, जस्ट छोटा सा मार्केट था भाई। इन्होंने अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। गाय का इधर मिलेगा, भैंस का इधर मिलेगा, घोड़े का इधर मिलेगा, ऐसा है। ये है हॉर्स मीट भाई, ये हॉर्स मीट है। पूछू क्या कितने रुपए किलो है? हाउ मच मनी, हाउ मच, हाउ मच मनी, मनी 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 1 kg 600 ओके नसीबा 600 रुपए किलो घोड़ा मिलता है भाई। एक भाई आज सक आंसर दिया था किसी ने कि घोड़ा खा ले घोड़ा बन जाएगा। अरे यार तुम चिकन खाते हो तो चिकन बन जाते हो क्या? कैसा ही आंसर होता है यार ये भी। मैं तुम्हें सच बताऊं एक बात, मैं 10 मिनट भी नहीं रुक सकता इंडिया के किसी भी मार्केट में। सीरियसली इतनी गंदी स्मेल आती है यहाँ पर। सोचो कितना ही बड़ा मार्केट है पर स्मेल एक पैसे की नहीं आ रही है, एक पैसे की स्मेल नहीं आ रही है। कोई भी बंदा यहाँ अगर आराम से घूम के चला जाएगा, डजंट मैटर वो वेज है नॉन वेज है कुछ भी हो, देखा जाएगा तो वो कर सकता है, बट स्मेल नहीं आ रही है। इंडिया में तो भाई मुर्गे के मार्केट में चले जाओ उल्टी करके बंदा मर जाएगा, उल्टी करके मर जाएगा। इसका मतलब समझ लो कितनी साफ सफाई रखते हैं वो इस मीट के मार्केट में भी। भाई फटाफट बिक रहा है, बहुत बिक रहा है भाई, बहुत बिक जा रहा है। ये चर्बी अलग से निकल जाती है इसकी, देखो पैक कर रखे दे रहे हैं इसको। पूरी पैकिंग वैकिंग करके दे रहे हैं भाई, पूरी पैकिंग। ये लिखा है कोना, इसका मतलब हॉर्स होता है। ये भी हॉर्स है, ये जो लिखा हुआ है ना देखो, तो हॉर्स का साइन भी बना रखा है इन्होंने, साइन बना रखा है हॉर्स 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 हॉर्स, ये सब हॉर्स के बनाए हुए। स्टार्टिंग में थोड़ा बीफ है, ये रिब्स है उनकी, भाई ये बना के खिला भी देगा तुम्हें, ट्राई करना है तो। सो अब आगे चिकन वाले मार्केट पे। अब यहाँ तुम देख सकते हो चिकन, मैं तुम्हें बताता ना हमारे यहाँ स्किनलेस चिकन होता है, यहाँ पे स्किन वाला चिकन होता है। स्किन छोटा बड़ा हर साइज का चिकन है, हर साइज का चिकन मिल जाएगा तुमको, काट कूट के साफ सुथरा कर रखा है। एक अच्छी चीज बताऊं क्या है, सामने नहीं मार रहे हैं तुम्हारे कि इतना फ्रेश है कि तुम यहाँ पे मार के दे दो खिला दो। दिस इज पोर्क, भाई दिस इज पिक, यस दिस इज पिक, पिक का मार्केट है। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बहुत देख लिया मीट वीट, इतना मीट देख के क्या ही करना हमें, हमें तो खाना है नहीं, बट हाँ लोग खाते हैं तो हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, बिकॉज हर कंट्री का एक अलग ही वे होता है लिविंग का। यहाँ पर चीज़ें इतनी मुश्किल से उगती है। मैं जैसे किर्गिस्तान की बात करूँ, किर्गिस्तान में 90% लैंड जो है वो माउंटेन्स में है, तो उनके पास सिर्फ 10% है जहाँ पर ये खुद भी कुछ नहीं उगा पाते, सिटी भी है बहुत सारी चीज़ें, तो उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए वो जानवरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसी कंट्रियों में भी होती है दिक्कतें, कुछ भी खा लेते हैं, ये घोड़ा पिग चिकन शीप, पर मैंने देखा ये गोट नहीं खाते ज़्यादा, गोट्स नहीं खाते। ओह सॉरी, अरे हाँ यार पिग मिल रहा है, पिग मिल रहा है, मैंने देखा हाँ पिग मिल रहा है, तो
चलो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नई नई चीजें देखने के लिए एक नया नया सपोर्ट भी चाहिए होता है, बहुत सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे भी अच्छी अच्छी चीजें दिखा पाऊंगा आपको। प्लीज ट्रैवल विद सामर को सब्सक्राइब करें। भाई बारिश होते ही ना यहाँ मौसम इतना चेंज हो गया है भाई, तगड़ी ठंड हो गई है, हाथ नहीं चल रहा है, फोन नहीं चल रहा है बिल्कुल। लोग भी अपनी दुकानें ऐसे छोटी छोटी शॉप हटाने में लगे हुए हैं अब तो भाई। या तो मैंने पतली सी जैकेट पहन ली थी, यही होता है जब मैं सोचता हूँ कि ऐसा ठंड ना हो, उसी दिन ज्यादा ठंड हो जाती है। कुछ तो फॉक्स के फर से बनाई हुई है, दैट इज नेचुरल और महंगी भी होगी। यहाँ पे हैं बहुत सारी कैप्स अलग अलग लेवल की, पूरा हेड कवर करके रखा हुआ है लाइक दिस। 1000 सोम की है ये तो, ये 13000 सोम की है। 100% दे आर एनिमल फर, कॉस्ट से बता रहा हूँ भाई, कॉस्ट से बता रहा हूँ, कॉस्ट से बता रहा हूँ, हाथ लगा के पता चल रहा है कितनी सॉफ्ट है ये। मना कर रहा है, मुझे हाथ मत लगाओ खराब हो जाएगी भाई। बस में ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट ऐप सुपर इजी है यहाँ पर, और अच्छा खासा फैशन करके लोग आते हैं यहाँ पर। नाम की ही मुस्लिम कंट्री है भाई ये। बस हाँ, कुछ लोगों ने हिजाब ज़रूर करा हुआ है यहाँ पर, नो डाउट। भाई क्या ठंड हो गई है भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, एकदम से ठंड पड़ गई और मेरे ना घोंटे खड़े हो रहे हैं अब, तगड़ी ठंड हो गई भाई। मेरी पतली सी जैकेट और सच में मैंने शर्ट पहनी हुई है, इसके नीचे कुछ है भी नहीं है। और जैसे इसके अंदर मैंने ना लोकेशन डाली टूगिस ऐप के अंदर, मेरे को यहाँ जाना है, तो इसमें देखो दिखा दिया कि कहाँ जाना है, कौन कौन सी बस जाएगी, 244 जाएगी, 2-4 मिनट वॉक करो, बस लो, फिर 3 मिनट वॉक करो, फिर आगे जाओ, ऐसे करो, 5 मिनट जाएगी, 2 नंबर आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा, बस नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आपको टैक्सी लेनी है येंडेक्स, एक तो हाथ नहीं चल रहे भाई, इसलिए हाथ नहीं चल रहे हैं, इंडेक्स करना है तो 225 सोम लगेंगे ऐसे। ये बहुत सुपर इजी है। तो 2 नंबर की ट्रांस आ गई, ये देखो इधर मुड़ी भी, और हम इस पर चढ़ जाएंगे। अब इसका कैसे पेमेंट करना है पता नहीं, मैं पहली बार इसके अंदर चढ़ रहा हूँ। थैंक गॉड यहाँ पे हीटर चल रहा है, हीटर चलने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अदरवाइज जमने वाला था मैं पक्का। लगता भी नहीं है कि ये इंडिया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल पढ़ने भी आए हुए हैं यहाँ, फर्स्ट ईयर के बच्चे। और स्पेशली पता है तुम्हारे को, इस कैंटीन में ना इन बच्चों को देख कर इन्होंने ब्रेड पकौड़ा भी बनाना चालू कर दिया है यार। That's nice. इंडियन बच्चे हर जगह भाई, इंडियन सर्जन है यहाँ। बच्चे के पीछे बाहर देखो सारे बैठे हुए हैं, जो वो भी सारे इंडियंस हैं, पूरा स्टाफ आएगा यहाँ पे इंडियंस का। और भाई कुछ भी हेलो क्रिकेट वाली लड़कियाँ बहुत फैशन करती हैं भाई, बहुत ही फैशन। सो मैंने भी एक बच्चे से बात करी थी मेडिकल की फीस कितनी है यहाँ पर इंडिया के कंपैरिजन यहाँ पर, तो उसने मुझे बताया कि 5.5 साल का एक पैकेज आता है 36 लाख रुपये का, अगर जिसके अंदर आपका हॉस्टल भी है और आपका खाना पीना भी है। अगर आप खाना पीना नहीं लेना चाहते हो तो वो आपको 30 लाख रुपए का पड़ेगा, जिसमें आपका ट्रेनिंग, आपका स्टडी, ये सब है। मतलब 30 लाख रुपए फिर भी एक्सपेंसिव है मेडिकल पढ़ना, बट ठीक है, बाहर की कंट्री में आप कर रहे होते हैं, एज कम्पेरिजन टू इंडिया आपको एडमिशन भी नहीं मिलता है। ठीक है, डॉक्टर तो बन रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं इंडिया से, सिर्फ इंडिया से, और पाकिस्तान के भी बहुत बच्चे हैं यहाँ पर। Thank you.
पे ना लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना, बस वगैरह यूज करना मत्था पच्ची नहीं है। हर स्टेशन पे बस रुकेगी, हर स्टेशन पे आप लोग चढ़ेंगे, हर स्टेशन पे लोग उतरेंगे। इंडिया की तरह नहीं है, एक घंटा पहले तुम बता रहे हो आओ जाओ ऐसे करना होता है। अरे जाते जाते ये ट्राउट फिश है, पहली बार देखी मैंने यहाँ पर, अब लाइव और फ्रेश फिशेस जो बेच रहे हैं ट्राउट फिश का यहाँ पे चल रहा है। दिखाऊं? ये देखो ट्राउट फिश, दिस इज ट्राउट राइट, ट्राउट फिश, फिश ट्राउट, एग इकड़ा, या